हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम आए हैं माताजी फुटवेयर के दुकान में। ये काफ़ी पॉपुलर दुकान है हमारे एरिया में, जिनके ओनर है मिस्टर कमलेश प्रजापति जी, जो ये बिज़नेस को कई सालों से अच्छे से चला रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम सर से इस बिज़नेस के बारे में जानकारी लेंगे कि कैसे फुटवेयर का बिज़नेस किया जा सकता है, कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, कितना पैसा मिलता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। सर, हमारे व्यूअर्स कुछ लोग फुटवेयर का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो सर थोड़ा जानना चाहेंगे कि आप कितने दिनों से इस फील्ड में हैं। सर जी, फुटवेयर के बिज़नेस में मैं मिनिमम 5 से 6 साल से ये बिज़नेस में हूँ। अच्छा। स्टार्टिंग में मैंने 2-3 साल जॉब किया था। अच्छा। फिर मुझे जैसा लगा कि अभी मुझे एक्सपीरियंस आ गया है, नॉलेज आ गया है, तो वो हिसाब से मैंने सोचा कि अभी मैं शॉप डाल देता हूँ। शॉप डाल देता हूँ तो अच्छा। फिर मैंने सोचा तो शॉप ढूंढना चालू किया। अच्छा। तो मुझे ये लोकेशन में शॉप मिल गया। अच्छा। तो मैंने डन किया, ले लिया शॉप। अच्छा। और सर, आपको लगभग कितना वक्त हो गया इस दुकान में? मतलब इस दुकान में मुझे अभी 3रा साल चल रहा है। अभी 3रा साल, 2 साल कम्प्लीट हो गया, 3रा साल चालू है अभी। 3रा साल। और सर, किसी को अगर फुटवेयर का बिजनेस करना है तो इसको क्या क्या लाइसेंसेस लगेंगे शुरू में? लाइसेंस तो इसमें शॉप एक तो आपको कंपलसरी लगने वाला है। अच्छा। मान लो अगर आपको आउट ऑफ पुणे से माल मंगाना है, जैसे कि मुंबई दिल्ली, वहाँ से अगर माल आपको मंगाना है तो GST नंबर कंपलसरी लगता है उसके लिए। अदरवाइज अच्छा। आपको इन पुणे से माल मंगाना है तो GST नंबर नहीं लगेगा, शॉप एक्ट में काम हो जाएगा। शॉप एक्ट पे काम होता है। अगर बाहर से मंगाना है तो ही GST की? बाहर से अगर मंगाना है तो ही GST नंबर लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। और सर, किसी को अगर फुटवेयर का बिजनेस करना है तो इसके लिए एक बढ़िया लोकेशन कौन सा होता है? बढ़िया लोकेशन रेसिडेंशियल जैसे एरिया है, पब्लिक का आना जाना है, तो वो हिसाब से चलता है। इसे थोड़ा पार्किंग का फैसिलिटी होना चाहिए, कस्टमर को दिक्कत नहीं होता है, तो आराम से इजीली आ सकता है वो। और दुकान मिनिमम 150 स्क्वायर फीट से 200 स्क्वायर फीट होगा तो अच्छा रहेगा। 150-200 स्क्वायर फीट का दुकान, कस्टमर उसमें बैठ जाते हैं, मतलब 2-4 कस्टमर। कस्टमर कैसा है, कभी 2 जन भी आते हैं, कभी 4 जन भी आते हैं, तो सबसे स्पेस अच्छा रहेगा तो दिक्कत नहीं आता है। बराबर। और सर, अगर किसी को फुटवेयर का बिजनेस करना है, नया दुकान रेंट पे लेना है, तो एक दुकानदार कितना रेंट भर सकता है इस बिजनेस में? फुटवेयर के मार्केट में अगर सर रिटेल आपको दुकान करना है तो मिनिमम 15 से 20 हज़ार रुपये कस्टमर आराम से भर सकता है। 15 से 20 हज़ार। और सर, एक नए आदमी को इस बिज़नेस ये बिज़नेस करना है तो कितने दिन की प्रैक्टिस, काम सीखने के लिए लगभग कितना वक्त लगेगा? अगर नए आदमी को दुकान करना है तो मिनिमम 5-6 महीना उसको जॉब करना पड़ेगा। अच्छा। जैसे वो जॉब करेगा तो उसको मालूम पड़ेगा माल कैसा आता है, दुकान में कौन सा रखना चाहिए, कैसा रखना चाहिए, ब्रांडेड रखना चाहिए, नॉन ब्रांडेड में कितना प्रॉफिट है, ब्रांडेड में कितना प्रॉफिट है, तो इस सबसे वो 6 महीना करेगा तो उसको नॉलेज आ जाएगा। और नया दुकान लगभग सेट होने के लिए कितना वक्त लगता है? 6 महीने बहुत हो गया। 6 महीना, 5-6 महीना बहुत हो गया। मान लो किसी एरिया में आपने दुकान किया है तो 2-3 महीना पब्लिसिटी होता है। पब्लिसिटी करने के लिए आप जैसे कि पैम्पलेट्स है ये अपने एरिया में बांट सकते हैं, तो कस्टमर को मालूम पड़ता है कि ये एरिया में नया शॉप हुआ है, तो धीरे धीरे 6 महीने में आपका सेट हो जाता है। 6 महीने में। और मार्केटिंग का तरीका सबसे बढ़िया तरीका यही है, पैम्पलेट्स? हाँ, पैम्पलेट आप बांट सकते हैं। अगर आपको दुकान करना है, दुकान मान लो आपने किया है, तो स्टार्टिंग में आपको कम प्रॉफिट में बिजनेस करना है। शुरू में कम प्रॉफिट, कस्टमर कोई भी आए भले ही मुद्दे लो, देना है उनको, उससे पब्लिसिटी बढ़ेगा, कस्टमर से कस्टमर बढ़ेगा, वो लेके जाएगा, उनके रिलेशन वालों को बोलेगा, आजू बाजू वालों को बोलेगा, तो हिसाब से मान लो 1 महीने कमाए लेकिन नेक्स्ट टाइम तो अपने को प्रॉफिट मिलता ही है। प्रॉफिट मिलता ही ऐसे। और सर, अगर किसी को ये नया बिजनेस करना है तो फर्नीचर में, दुकान के मटेरियल में लगभग कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी? स्टार्टिंग में अगर आपका बजट अच्छा है तो आप 1-1.5 लाख रुपए भी डाल सकते हैं इसमें। अच्छा। मान लो आपका बजट लो है तो आप 40-50 हज़ार रुपए में भी कर मतलब सकते हैं। फर्नीचर? फर्नीचर। अच्छा। उसमें जैसे कि रैक है, ये काउंटर है, तो उसमें 40-50 हज़ार रुपए में बैठ जाता है आपका। बैठ जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा रैक वगैरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट कम लगती है, 40-50 हज़ार की इन्वेस्टमेंट लगती है, और सर मुझे लगता है लकड़ी का फर्नीचर करेंगे तो 1.5 लाख से 1.5 लाख रुपए आपको लग सकते हैं। लग सकते हैं। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आप कर सकते हैं तो लकड़ी में करेंगे फर्नीचर, तो 1 लाख रुपए के 1.5 लाख रुपए के बीच में आपकी फर्नीचर की इन्वेस्टमेंट। और सर, मटेरियल में लगभग कितना लगता है? जैसे स्टार्टिंग में आपको, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है, आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा माल नहीं भरना है। अच्छा। इसमें सर कैसा होता है कि मान लो आपने कौन से भी एरिया में शॉप किया है, तो शॉप किया है तो आपको वहाँ का टेस्ट मालूम नहीं है।
यहाँ पे क्या चलता है, ब्रांडेड चलता है, नॉट ब्रांडेड चलता है, कैसा माल चलता है, जेंट्स का ज्यादा चलता है, बच्चे का ज्यादा चलता है या लेडीज का ज्यादा चलता है। तो आपको स्टार्टिंग में सब थोड़ा थोड़ा माल भरना है, थोड़ा थोड़ा माल, थोड़ा थोड़ा, मतलब आपके आपका बजट 4 से 5 लाख रुपए का, तो आपको 2 लाख का माल भरना है शुरू में, 2 लाख, शुरू में 2 लाख का। जैसे जैसे टाइम जाता है, कस्टमर बेस बढ़ता है, आपको समझ में आ जाता है कि ये एरिया में क्या चलता है, वो हिसाब से आप धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं, सब धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर 2 लाख में लेडीज, किड्स, जेंट्स सब आ जाएगा इसमें? उसमें सब बैठ जाएगा आपका, थोड़ा थोड़ा माल सब 2 लाख में आपका इजीली बैठ जाएगा, वो आपको आराम से नॉलेज आएगा उसमें, आराम से नॉलेज आएगा। जैसे जैसे आपको करेंगे उसमें, कस्टमर का, कस्टमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो हिसाब से आप धीरे धीरे करो, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। बराबर। तो सर 2 लाख का माल, लगभग 70-80 हज़ार का फर्नीचर, तो लगभग 3.5-4 लाख रुपए में, 3.5-4 लाख रुपए में सर आपका इजीली हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। बराबर। तो दोस्तों अगर आपको इस बिज़नेस को नए से शुरुआत करनी है, तो जैसा सर बता रहे हैं शुरू में आप 2 लाख का माल भर सकते हैं और धीरे धीरे माल बढ़ा सकते हैं, लगभग 3-4 लाख रुपए के अंदर आपका पूरा दुकान का सेटअप बन जाता है। और सर फुटवेयर के बिज़नेस में जैसे कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ नॉन ब्रांडेड होते हैं, तो शुरू में जो कोई नया बिजनेस करता है तो क्या रखना चाहिए, ब्रांडेड रखना चाहिए या नॉन ब्रांडेड रखना चाहिए? अगर शुरू में मान लो कोई दुकान कर रहा है तो मेरे हिसाब से ब्रांडेड रखेगा तो उसके लिए अच्छा होगा। अच्छा। क्योंकि कस्टमर जैसे ही आते हैं तो ब्रांडेड, आजकल तो कैसा है सब कस्टमर ब्रांडेड ही मांगते हैं, ब्रांडेड मांगते हैं, जैसे कि बाटा है, पैरागॉन है, तो ब्रांडेड रखेंगे तो दुकान जल्दी सेट होगा, जल्दी सेट होगा। और उसमें सर कैसा है, डेड स्टॉक होने का कोई चांसेस नहीं है। उसमें सेट टू सेट आपको मिल जाता है, जितना पीस चाहिए उतना मिल जाता है, वो हिसाब से आप ब्रांडेड माल रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो शुरू में लगभग कितना परसेंट ब्रांडेड और कितना नॉन ब्रांडेड? स्टार्टिंग में आप 50-60% ब्रांडेड रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बराबर। आपको उतना रखना ही पड़ेगा, उतना रखना आपको अगर दुकान सेट करना है। कस्टमर को सर कैसा रहता है, दुकान में आएगा वो तो उसको लगेगा कि हाँ इसके पास बाटा है, पैरागॉन है, तो और कस्टमर को बोलेगा बराबर, उसके पास ये मिलता है, ये मिलता है, तो कस्टमर टू कस्टमर बढ़ेगा, कस्टमर टू कस्टमर बढ़ेगा। तो दोस्तों अगर आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं फुटवेयर का, तो ये लगभग जैसे सर बता रहे हैं कम से कम 50-60% आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट्स रखने हैं, क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा होती है, जैसे बाटा है, पैरागॉन है, और बाकी बचा हुआ माल आप अच्छा क्वालिटी का नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आप आपके दुकान में रख सकते हैं। सर फुटवेयर के बिज़नेस में ये जो होलसेलर्स होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, जैसे वही शहर से माल आता है या बाहर से माल आता है? नहीं, जैसे कि आपका शॉप पूना में है तो पूना में होलसेलर होते हैं। अच्छा। तो आपको पूरा माल यहाँ पे मिल जाएगा, आराम से मिल जाता है, जितना चाहिए उतना आपको, जो माल चाहिए आपको इजीली आपको मिलता है यहाँ पे। तो जो भी लोग जैसे बाहर गांव से भी देख रहे हैं उनके शहर में कोई ना कोई होलसेलर होंगे, हाँ, तो वहाँ से उनको अपने अपने शहर में होलसेलर होते ही है। बराबर, होते ही, हाँ होते ही। तो और ये माल आपने को जाके लाना पड़ता है शुरू में या डिलीवरी दी जाती है? स्टार्टिंग में आपको लाना पड़ेगा, लाना क्योंकि आपको मतलब होलसेलर जो है वो आपको नहीं पहचानते ना। बराबर, आपको उनको पहचानना पड़ेगा कि वो कहाँ पे है। बराबर। तो अब धीरे धीरे आपका मतलब शॉप का आपको मालूम पड़ेगा किसके पास क्या मिलता है, कौन सा माल मार्केट में चलता है। तो कभी कभी सर इसमें क्या होता है कि दुकानदार नया होता है, नया होता है, तो वो होलसेलर के पास जाएगा तो होलसेलर से भी उनको नॉलेज मिलता है, होलसेलर से आपके एरिया में ये चलेगा। बराबर। कैसे होलसेलर को मालूम पड़ रहता है ना, नॉलेज उनको ज्यादा रहता है, क्योंकि होलसेल बिजनेस कर रहे हैं, होलसेल बिजनेस, और हम नहीं है, नहीं है। तो आप जैसे ही मार्केट में जाएंगे तो आपको उनसे भी मतलब गाइडेंस मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, तो वो हिसाब से आपका बिजनेस अच्छा सेट हो सकता है, अच्छा सेट हो सकता है। और सर होलसेलर की तरफ से नए दुकानदार को कुछ क्रेडिट वगैरह मिलता है इसमें, इस बिजनेस स्टार्टिंग में आपको नहीं मिलेगा, स्टार्टिंग में नहीं, आपको पहले आपका गुडविल बनाना पड़ेगा, गुडविल बनाना पड़ेगा। आप कैश में माल लेंगे तो आप फिर धीरे धीरे आपकी पहचान होगी मार्केट में, तो वही हिसाब से आपको होलसेलर आपको 15-20 दिन का क्रेडिट देते हैं, 15 से 20। पहले स्टार्टिंग में 15 दिन का देंगे, बाद में आपका जैसे ही व्यवहार अच्छा होगा, पेमेंट टू पेमेंट सही जाएगा, फिर आपको क्रेडिट मिलता है। ब्रांडेड में भी सर क्रेडिट मिलता है? दोनों में मिलता है, दोनों में मिलता है। आपके जो है टोटली आपके गुडविल के ऊपर डिपेंड है, गुडविल के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे शुरू में आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जैसा आपका गुडविल अच्छा बनेगा, आप पेमेंट टाइम टू टाइम करेंगे, तो होलसेलर की तरफ से आपको लगभग 15-20 लगभग 3 हफ्ते का मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है। सर फुटवेयर के बिजनेस में कोई ऑफ सीजन वगैरह आता है साल में ऐसा?
ऑफ़सीजन सर आता है, साल में 12 महीने होते हैं, तो उसमें एक से दो महीने आपको ऑफ़सीजन खेलना पड़ेगा। एक से दो मान लो जैसे कि स्कूल की जब छुट्टियाँ होती है, तो स्कूल के बच्चे वगैरह क्या करते हैं, फैमिली सब गांव को जाते हैं, अपने अपने गांव को जाते हैं, क्योंकि 12 महीने में उनको वही एक महीना रहता है गाँव जाने के लिए, कि ताकि वहाँ पे रह सके 15 से 20 दिन, एक महीना बराबर। तो वहाँ वो हिसाब से फुटवेयर के मार्केट में थोड़ा ऑफ़सीजन होता है, लेकिन जैसे ही बारिश आता है, स्कूल चालू होती है, तो उसमें ये पूरा कवर हो जाता है, कवर हो जाता है। तो फिर उसके बाद सीजन आता है, जैसे दिवाली का है, स्कूल सीजन है, बारिश का सीजन है, तो उसमें टोटली कवर हो जाता है, कवर हो जाता है। जो दो ऑफ सीजन है वो सब दिवाली तक, दिवाली तक सब कवर हो जाता है उसमें। तो दोस्तों इसमें एक दो महीने का ऑफ सीजन होता है, पर फुल सीजन भी चलता है, तो उसमें ये पूरा आपका जो भी नुकसान है वो कवर हो जाता है। और सर फुटवेयर के बिजनेस में एक दुकानदार को ब्रांडेड में नॉन ब्रांडेड में लगभग कितना परसेंट प्रॉफिट मिलता है? ब्रांडेड में सर ऐसा है कि मिनिमम उसको 30% तो मिलता ही है ब्रांडेड में, जैसे कि बाटा है, पैरागॉन, नाइकी, प्यूमा, उसमें 30% फिक्स है। बाकी नॉन ब्रांडेड है उसमें 40-50% भी मिल सकता है, उसमें 50% भी मिल सकता है, उसमें 60% भी मिल सकता है। अच्छा, किसी में 35-40 ऐसा मिलता है। बराबर, तो लगभग कम से कम 30% तो मार्जिन इसमें, 30-35% आपको मिलना ही है प्रॉफिट। तो दोस्तों इस बिज़नेस में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। ब्रांडेड में भी अगर आप देखेंगे तो जैसे सर बता रहे हैं 30% आपको प्रॉफिट मिलता है, नॉन ब्रांडेड में 40-50-60% तक भी सर इसमें प्रॉफिट आपको मिल सकता है। सर फुटवेयर के बिज़नेस में जब कोई नया दुकानदार बिज़नेस शुरू करता है और उसमें वो ज़्यादा माल भर देता है, उसमें से मान के चलो कुछ माल बिका नहीं, तो क्या कंपनी वाले ये माल वापस लेते हैं क्या? क्या ये हमें कोई बेच रहे हैं माल? सर फुटवेयर के दुकान में सर ऐसा होता है कि मान लो किसी दुकानदार ने माल ज़्यादा भरा है, तो जहाँ तक मुझे लगता है अगर वो ब्रांडेड माल भरेगा जैसे कि पैरागॉन, बाटा, तो ब्रांडेड माल में ऐसा कोई होता नहीं है, होता नहीं कि वो नहीं बिकता है, उसमें ब्रांडेड माल आपका बिकता ही है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता है, नुकसान नहीं होता। तो उसमें आपको मान लो पहले स्टार्टिंग में आपने माल लिया है, तो उसमें से आपको जो चाहिए आप वापस भी मिल जाता है, तो माल अटकने का कोई चांसेस नहीं है, अटकने का चांसेस नहीं, कुछ नहीं है उसमें, आपका माल ब्रांडेड माल बिकना ही है। खाली नॉन ब्रांडेड में थोड़ा होता है, लेकिन दुकानदार मान लो ध्यान दे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाता है। और लगभग कितने दिन के बाद हमें ये समझना चाहिए कि माल बिक नहीं रहा है, अभी इसको निकालना पड़ेगा, कितना दिन का पीरियड के बाद हमें? मिनिमम 2-3 महीना, 2-3 महीना आपको लगेगा कोई माल ऐसे बिक जाता है और थोड़ा पड़ा रहता है, तो 2-3 महीने में वो बिकता है, लेकिन खराब नहीं होता है, खराब नहीं होता। तो मतलब मान के नुकसान कुछ नहीं है। तो मान के चलो 3-4-5 महीने हो गए, तो थोड़ा बहुत हमको अभी उसके ध्यान देना पड़ेगा, ये माल अभी निकाल, अगर दुकानदार चाहे तो उसको बेच सकता है, बराबर। तो दोस्तों सर ने काफ़ी ज़रूरी बात बताई आप सभी को, आपको इसमें ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अगर आप रखेंगे तो ये माल बिकना ही है, तो शुरू में आप ब्रांडेड ज़्यादा से ज़्यादा भरें, नॉन ब्रांडेड में थोड़ी ना बिकने की समस्या आ सकती है, तो आपके पास 3-4-5 महीने के बाद आपके पास वक्त रहता है, उसके बाद आपको जो बिका नहीं उस पर ध्यान देके उस माल को बेचना पड़ेगा। सर हम देखते हैं कई सारे फुटवेयर की नई नई दुकानें खुलती है, कुछ दुकानें अच्छी चलती है, कुछ दुकानें इतनी खास चलती नहीं है, बंद करनी पड़ती है, तो सर आपको क्या लगता है क्या क्या गलतियां होती है नए दुकानदारों से जिसके वजह से उनकी दुकानें चलती नहीं है या फिर बंद करनी पड़ती है? सर जी इसमें बंद करने का तो रीज़न ये होता है कि स्टार्टिंग में दुकानदार क्या करते हैं, ज़्यादा माल भरते नहीं है उसमें, जैसे कि थोड़ा थोड़ा भरते हैं, डरते हैं माल भरने से। तो स्टार्टिंग में आपको बिजनेस करना है तो डरना नहीं है, बिजनेस को दूसरा नाम रिस्क बोलते हैं, मतलब एक टाइप से रिस्क होता है वो, बराबर। लेकिन आप बिजनेस माल भरेंगे, जैसे कि आपको 2-3 लाख का माल भरना है, तो दुकान चलता ही है। और उसमें ब्रांडेड रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपने भी सर जैसे आपने शुरू में बताया, आपने शुरू में 2 लाख का माल भरा था, स्टार्टिंग में मैंने 2 लाख का माल भरा था, 2-2.5 लाख का, फिर बाद में धीरे धीरे जैसे मेरे कस्टमर बेस बढ़ा तो आज मेरे पास अच्छा खासा स्टॉक है, 4-4.5 लाख रुपए का स्टॉक है। तो धीरे धीरे ये होता है, तो दोस्तों सर ने काफी जरूरी बात बताई, इस बिजनेस में आपको बिल्कुल डरना नहीं है, आपका माल जरूर बिकेगा, आप ज्यादा से ज्यादा ब्रांडेड प्रोडक्ट रखें आपके दुकान में। जैसे मैं सर का दुकान देख पा रहा हूँ, सर ने काफ़ी स्टॉक भरा है उनके दुकान में, वीडियो के एंड में मैं आपको थोड़ा बहुत दुकान का अंदर का भी शूटिंग करके दिखाऊंगा कि सर ने कितना स्टॉक भरा हुआ है। सर बिल्कुल डरते नहीं है, पूरे डेयरिंग के साथ सर बिजनेस कर रहे हैं, इसके वजह से उनका दुकान भी अच्छा चलता है और दुकान में माल भी बहुत सारा है। और सर फुटवेयर के बिजनेस में और कोई बाकी आइटम्स रख सकते हैं, साइड आइटम्स रख सकते हैं?
सर जी इसमें ऐसा है कि मान लो आपका दुकान बड़ा है, स्पेस है आपके पास, तो आप धीरे धीरे फुटवेयर के अलावा जैसे कि बेल्ट है, चश्मा है, इनरवेयर है, बनियान है, टोपी है, वॉलेट्स है, इनरवेयर, बनियान, तो वही हिसाब से आप धीरे धीरे रख सकते हैं, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। महीने का 5,000 से 10,000 रुपए का आपको साइड प्रॉफिट हो सकता है। इसमें सर लगभग कितना पैसा मिलता है, जैसे बेल्ट में, कैप में या वॉलेट में, इसमें मार्जिन कितना होता है? उसमें आपको 50% मिल जाता है। 50% ऑब्वियसली आपको इसमें मिल जाता है। तो दुकानदार के लिए, फुटवेयर के दुकानदार के लिए मेरे हिसाब से उनको रखना चाहिए। इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, खराब होने जैसा भी कुछ नहीं है, खराब होने जैसा भी कुछ, ये लगने वाली चीजें है। कस्टमर आता है तो जो दिखेगा वो बिकेगा। बिल्कुल सही बात है, बराबर। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैं देख पा रहा हूँ, सर ने बेल्ट, उसके बाद में वॉलेट, कैप, गॉगल्स वगैरह सभी ऐसी चीजें रखी है, और ये सब साइड आइटम्स है जो जिसमें 50% लगभग 50% प्रॉफिट मिलता है, और दिन में मेरे ख्याल से 200-300 रुपए इसमें साइड प्रॉफिट मिल जाता है। तो अच्छा खासा आपके दुकान का मुझे लगता है आधा रेंट तो इसमें उसी में निकल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, अगर आपके दुकान में थोड़ी ज़्यादा बड़ी जगह है तो ये प्रोडक्ट आप रख के अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। सर अभी हम देखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह लोग कर रहे हैं, तो क्या ऑनलाइन शॉपिंग का इस बिजनेस पे दुकानदारों के ऊपर फर्क पड़ा है या फिर पड़ सकता है आने वाले दिनों में? अभी का जो सर टाइम चल रहा है ऑनलाइन का ज़्यादा चल रहा है। अच्छा। तो उसमें फर्क तो आपको पड़ना ही है, लेकिन ऐसा है कि ब्रांडेड में ज़्यादा पड़ता है, जैसे कि 1,000 के ऊपर है, मान लो 1,000, 1,500, 2,000, 3,000, वो आइटम पे ज्यादा फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क पड़ता है। नॉन ब्रांडेड में इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, नॉन ब्रांडेड में तो आपको डरने की जरूरत नहीं। मतलब जो प्रोडक्ट 1,000 रुपए के ऊपर है उस पे फर्क पड़ सकता है, उस पे फर्क पड़ सकता है, और जो जैसे दुकान में 500, 400, 700, 800 रेंज के, उसमें कुछ डरने की जरूरत, उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं। और मुझे लगता है सर ये जो डिस्काउंट वगैरह मिलते हैं ऑनलाइन पे, ये सब थोड़ा ओल्ड प्रोडक्ट से रहते हैं जिसपे वो डिस्काउंट देके वो सस्ते में निकलते हैं, ऐसा मतलब मुझे ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उनके पास माल समझो अटका पड़ा है या नहीं चल रहा है, तो ऑनलाइन बिजनेस वाले क्या करते हैं उसको डिस्काउंट में करके बेच देते हैं, कस्टमर को मालूम नहीं पड़ता, कस्टमर को ये मालूम नहीं पड़ता माल डिस्काउंट में ये क्यों बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, उनके पास नहीं चलता है पैसा खुला करने के लिए, वो बेच देते हैं, उसी पैसे से वो नया माल भरते हैं, उसमें डिस्काउंट नहीं देते, नए पे डिस्काउंट नहीं देते, नया फैशन जो है उस पे डिस्काउंट बिल्कुल नहीं, मान लो वो माल अटकेगा तो उस पे डिस्काउंट देंगे, ऑनलाइन बिजनेस वालों को ऐसा है मुझे ऐसा लगता है। सही है, बराबर, मैंने भी ऐसा सुना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, जो महंगे प्रोडक्ट्स है 1,000 रुपए से भी ज्यादा जिसकी रेंज है वहाँ पे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं, बाकी जो 700-800 रुपए के अंदर के जो प्रोडक्ट्स है उसमें दुकानदार का धंधा होना ही है, लोग दुकान में जाके ही खरीदना पसंद करते हैं, तो आपको इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। सर मान के चलो कोई नया बिजनेस शुरू करता है जिसका लगभग 15,000 रुपए रेंट है, तो उस दुकान को प्रॉफिट में आने के लिए लगभग कितना सेल होना जरूरी है? उसमें सर ऐसा है, मान लो कोई 15,000-20,000 रुपए रेंट भर रहा है, तो मिनिमम उसको मंथली 1.5 लाख के ऊपर सेल चाहिए, मंथली 1.5 लाख, ताकि उसको 40,000-50,000 रुपए का प्रॉफिट हो, तो उसमें वो 15,000-20,000 रुपए रेंट देता है तो 20,000-25,000 रुपए उसको प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। अगर सेल 2 लाख है, 2.5 लाख है तो उसको प्रॉफिट बढ़ सकता है, और बढ़ सकता है सेल के ऊपर है, सेल के, लेकिन मिनिमम आपको 1.5 लाख रुपए प्लस सेल आराम से चाहिए, आराम से चाहिए। और इतना सेल होता है सर, मतलब इतना सेल हो जाता है क्योंकि जो रेंट रहता है वो मिनिमम एरिया के हिसाब से रहता है, बराबर वो हिसाब से उसका सेल होता ही है, सेल होता ही है, ऐसा है, बराबर। तो दोस्तों अगर आप अच्छे लोकेशन पे, अच्छे एरिया में अगर आप 15,000-20,000 भी रेंट भरेंगे, तो जैसा सर का इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, आपका वहाँ पे सेल होना ही है, महीने में 1.5 लाख का सेल हो जाता है, तो आप आसानी से इसमें प्रॉफिट में आ जाते हैं। और सर इस बिजनेस में मतलब अगर किसी का दुकान अच्छा चलता है तो लगभग कितना पैसा मिल सकता है एक महीने में? सर जी फुटवेयर का बिजनेस ऐसा है कि ये टोटली बिजनेस सेल के ऊपर है, सेल के ऊपर, मान लो आपका सेल 3-4 लाख रुपए का होता है तो आपको 1 लाख रुपए भी प्रॉफिट हो सकता है, हो सकता है, अगर 5 लाख का हो तो आपको 1.5 लाख भी प्रॉफिट हो सकता है, 1.5 लाख भी प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन मिनिमम ये फुटवेयर का बिजनेस ऐसा है कि 3 लाख के आसपास सेल चलता है उसका, 3 लाख के आसपास, तो उसमें 50,000-60,000-70,000 ऐसा भी मिलता है, भाड़ा छोड़ के उतना 50,000-60,000-70,000 मिल जाता है। तो लगभग कई सारे दुकानदार 3 लाख का सेल, 3 लाख का सेल करते हैं, बहुत सारे दुकानदार अच्छा पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों फुटवेयर के बिजनेस में 3 लाख रुपए का सेल होता ही है जैसा सर बता रहे हैं, और उसमें आपको सब खर्चा जाके 50,000-60,000-70,000 रुपए आसानी से बचते हैं। आपका सेल अगर 4-5 लाख होता है, दुकान अच्छा चलता है, तो 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा आप पैसा इस बिजनेस में कमा सकते हो। सर हमारे जो व्यूअर्स है उनको आप क्या संदेश या मैसेज देना चाहेंगे जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं?
सर, मैं नए दुकानदार को ये कहना चाहूँगा कि आप अगर आपको दुकान करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, 5-6 महीना जॉब करना है, 5-6 महीना आपको जॉब करना पड़ेगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको लोकेशन देखना पड़ेगा कि लोकेशन कैसा है, रेंट कितना होना चाहिए, आपके आपको बजट तैयार करना पड़ेगा, बजट तैयार करना पड़ेगा। फिर बजट तैयार करके आप दुकान इजीली कर सकते हैं उसमें। तो आपको स्टार्टिंग में 2-2.5 लाख रुपए का माल भरना है। 2-2.5 लाख रुपए में क्या होगा कि लोकेशन का आपको धीरे धीरे मालूम पड़ेगा, बिजनेस सेट होगा, तो आप धीरे धीरे माल बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बराबर। और नए जो दुकान कर रहा है उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप इजीली मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा और आपको मेरे अंदर जितना नॉलेज है जरूर गाइडेंस दूंगा मैं। तो सर, तो दोस्तों सर बहुत ही मतलब नेक दिल वाले हैं जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर दे दूंगा, अगर आपको चाहिए जो भी मदद आपको चाहिए आप सर को फ़ोन करके उनसे मदद ले सकते हैं और जो भी आपकी समस्या है सर आपका सॉल्यूशन आपको बता देंगे। और दोस्तों मैं आपको सर के दुकान का थोड़ा सा टूर कराऊंगा कि सर ने कैसे कैसे उनके दुकान में प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, कितना ज़्यादा दबा के स्टॉक भरा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, सर ने पूरा यहाँ पे लेडीज चप्पल वगैरह रखी हुई है, यहाँ पे भी पूरा स्टॉक भरा हुआ है, कोई कंजूसी नहीं है मटेरियल में, दबा के स्टॉक भरा है। कोई सर में, मैं जितना सर को जानता हूँ, सर ने पूरा डेयरिंग के साथ माल भरा हुआ है, इसकी वजह से सर का इतना अच्छा दुकान चलता है। और मेरे ख्याल से सर का बिज़नेस 3 लाख रुपए से भी ज़्यादा रहेगा। पर देखिए ये बनियान की वैरायटी वगैरह रखी है सर ने। सर ये बनियान रोज़ में दिन के 2-3 जाते हैं? हाँ सर, दिन में 2-3 तो आराम से जाते हैं, कभी कभी 8-10 भी जाते हैं। 8-10 भी जाते हैं, हाँ। ये बेल्ट वगैरह भी रोज बिकता है ये? हाँ, बेल्ट वगैरह भी दिन में 2-3 बिक जाता है, चश्मा भी बिकता है, चश्मा भी तो धीरे धीरे सब होता है सेट, धीरे धीरे सब सेट होता है। अभी ये चश्मे की वैरायटी है सर ने, ये पूरी चश्मे की वैरायटी भी रखी हुई है। ये वॉलेट्स वगैरह हैं, ये वॉलेट्स है, वॉलेट्स वगैरह हैं, ये भी सर मतलब हफ्ते में एक दो तो जाते रहेंगे, है ना सर जी? ये तो ज़्यादा जाते हैं, ये ज़्यादा जाते हैं, मिनिमम मुझे ये मैं आराम से 5-6 बेच देता हूँ। अच्छा, हफ्ते में 5-6 बिक जाता है। देखिए यहाँ पे कैप्स वगैरह भी है, बाहर भी देखिए दोस्तों, सर ने अच्छा खासा स्टॉक बाहर भी रखा हुआ है, पूरी वैरायटी है बाहर। बाहर डिस्प्ले में जैसे आते जाते लोगों को ये सब दिख जाते हैं प्रोडक्ट, तो ग्राहक रुकना पसंद करता है, और जो दिखता है जैसा सर ने कहा था वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता ही है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले सर को थैंक्स कीजिए, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, हम रेगुलरली अलग अलग बिजनेस टॉपिक्स पे वीडियो पेश करते रहते हैं हमारे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर।